हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो आज हम फिर से आगे बात करने के लिए कम्युनिकेबल डिजीजेस पे। सो डेंगू जो कि बहुत कॉमन फीवर है बट सबसे ज़्यादा डेंजरस है आई थिंक, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेंगू के बारे में बात करेंगे। इट इज़ अंडर द कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो देख लेते हैं कि क्या है डेंगू। वैसे तो आप सभी को पता है कि डेंगू भाई किसी मॉस्किटो से होता है ये वो, बट दिस इज सुपरफिशियल। बट हम यहाँ पे डीपली बात करेंगे कैसे होता है, क्यों होता है, किसके थ्रू होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, है ना, क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो डेंगू हमारा इसको हम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ब्रेक बोन फीवर, ये खुद में ही एक चीज बता रहा है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी जो हमारी पूरी बॉडी के जॉइंट्स और पूरी बॉडी के बोन्स में इतना पेन हो रहा है जिसे हमने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है, दैट इज ब्रेक बोन फीवर। ऐसा पेन होगा, ऐसा दर्द होगा, ऐसी प्रॉब्लम होगी कि पेशेंट को क्या लगेगा कि अब उसकी बोन टूट गई। जितना बोन फ्रैक्चर में पेन होता है वैसा पेन होता है हमारे डेंगू में। क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। तो किस तरह की डिजीज है ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज इसलिए है क्योंकि जो भी पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस है, ठीक है। और वो वायरस मॉस्किटो के अंदर जाता है। कौन सा मॉस्किटो? एडिस एजिप्टाई। यहाँ पे देख लो, ये एडिस एजिप्टाई, ये एक तरह का, ये देखिए मॉस्किटो है। इसके पास कौन है? इसके पास है फ्लैवी वायरस, वो वायरस जो कि डेंगू कॉज करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस तरह की डिजीज है? ये एक तरह की वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज क्यों कहेंगे? वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है? जो कि इंफेक्शियस डिजीज होती है एक तरह की, और वो एक पर्सन को अनदर पर्सन से इन्फेक्ट करा सकती है, बट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर डेंगू हो गया है और मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके चली गई तो आपको भी डेंगू हो जाएगा, नो। ये कम्युनिकेबल डिजीज इसलिए है या वेक्टर बॉर्न डिजीज इसलिए क्योंकि अगर मुझे डेंगू हुआ है और मुझे फिर से एडिस एजिप्टिस ने काट लिया और दूसरे किसी हेल्दी पर्सन को जाकर के बाइट कर लिया, तो मेरे थ्रू वो वायरस ले लेगी और वो दूसरे हेल्दी पर्सन के अंदर डाल देगी। इस तरह से ये एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है। इसी को हम वेक्टर बॉर्न कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जान लो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, बट डायरेक्टली नहीं, किसी एनिमल या किसी इंसेक्ट के थ्रू। इसमें हम मलेरिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मलेरिया में फीमेल एनाफिलीज होती है, वो क्या करती है, वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, उसके बाद जाकर के हेल्दी पर्सन को काट लेती है। तो मलेरिया भी इसी तरह से फैलता है। तो आप समझ गए होंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होती है, ओके। तो वायरस का नाम भी आपने देख लिया है कि फ्लैवी वायरस है, और जो मॉस्किटो जिसके अंदर ये वायरस चला जाता है, तो ये मॉस्किटो एक तरह का कैरियर भी हो गया और एक तरह का होस्ट भी हो गया। कैरियर इसलिए हो गया क्योंकि उसने वायरस को कैरी कर रखा हुआ है, होस्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर ही वायरस मतलब पनप रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जाकर के काट लिया। अच्छा, इंडिया में ये कब आया? 1963 में आया। कौन सी जगह पे आया? कलकत्ता और चेन्नई के अंदर, ठीक है। सबसे पहले कलकत्ता और चेन्नई के अंदर ये डिजीज देखी गई थी और बहुत ब्रॉड कह सकते हैं कि संख्या में देखी गई थी, बहुत लोगों को हो गया था। तो ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है क्योंकि ये डेथ कॉज कर सकती है इजिली अगर हमने इसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है? तो डेंगू फीवर क्या है? ये एक तरह की इलनेस है, इन्फेक्शियस डिजीज है। सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन फैला रही है। किसके थ्रू फैला रही है? वायरस के थ्रू फैला रही है। और वायरस किसके अंदर है? मॉस्किटो के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? सो पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं कि किस तरह से ये वायरस जो है हमें अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले इटियोलॉजी की वजह से। अब इटियोलॉजी में आप पॉजिटिव एजेंट डाल सकते हो, जैसा कि आपका ये जो पॉजिटिव एजेंट है मॉस्किटो, इसको आप डाल सकते हो, ठीक। और वायरस का नाम भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो इटियोलॉजी में। तो इटियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि सबसे पहले उस मॉस्किटो ने जाकर के हेल्दी पर्सन को काट लिया, बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद क्या हुआ कि उस पर्सन के अंदर क्या होगा, अब वायरल लोड होगा। अब वायरस उसके अंदर लोड हो जाएंगे। वायरल लोड होने को हम रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब अंदर उसके वायरस फैलने लगे। फैलने के बाद क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो टी सेल्स कौन होते हैं, हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो टी सेल्स कहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से एक्टिवेट हो रहे हैं। तो टी सेल्स हमारे एक्टिवेट हो गए। टी सेल्स एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी में फाइटिंग हो गई। एंटीजन कौन है, हमारे जो वायरस है। एंटीबॉडीज कौन है, हमारे जो हमारे टी सेल्स हैं। ठीक है, तो अब वायरस और टी सेल्स दोनों में फाइटिंग हो रही है। फाइटिंग होने की वजह से क्या हो गया, मान लो अगर फाइटिंग होने की वजह से वायरस हार गया तो हमारे टी सेल्स जीत जाएंगे और हम वहीं पे ठीक होने लगेंगे। मान लीजिए हमारे टी सेल्स हार गए तो क्या होगा, जब टी सेल्स हमारे हार जाएंगे तो अब कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं मिलेगा। कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हमारा जो बाकी सिस्टम है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो गया, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि साइटोकाइनेस। अब आपको पता नहीं होगा कि ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स एक तरह के मैसेंजर सेल्स होते हैं जो कि हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन कराने का काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन कराने के दो कह सकते हैं बेनिफिट हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ बना के। मान लो ये कोई हमारा वेन्स है, ठीक है, इस वेन के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया तो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो सेल बाकी सेल्स हैं वो अभी प्रिवेंटेड है। ठीक है, क्योंकि हमारे हर चीज सेल से मिलके बनी है, तो हमारी जो ये ब्लड वेसल है इसकी ये भी सेल से मिलके बनी होगी। मान लो ये सेल्स हैं, तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ने क्या किया, इतने एरिया को कवर कर लिया और बाहर इन्फेक्शन को नहीं जाने दिया। ठीक है, और इतने एरिया को कवर करने के बाद उन्होंने इस एरिया की रिकवरी में हेल्प करी। क्यों, क्योंकि जब वो कवर कर लेंगे तो इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाएगा तो इतने एरिया की रिकवरी होने में चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो इन्फ्लेमेटरी मैसेंजर्स होते हैं वो करते क्या है, वो ब्रेन को डायरेक्ट मैसेज प्रोवाइड करते हैं, ब्रेन को डायरेक्ट मैसेज देते हैं कि देखो यहाँ पे कितना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। तो हमारा ब्रेन फिर डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज करता है या तो और टी सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीजें हमारी इन्फ्लेमेटरी मीडिएट कराते हैं। तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हमारे टी सेल्स थे वो फेल हो गए। टी सेल्स फेल होने की वजह से जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स काम कर रहे थे, अब भाई यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स काम कर रहे हैं और बाकी टी सेल्स यहाँ पे वायरस को आके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पे अटैक करने से बचा रहे थे। अब ये टी सेल्स जब फेल हो गए तो डायरेक्ट वायरस ने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स पे अटैक कर दिया और हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी फेल हो गए, जिसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स आने लगे। ये थे हमारी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी। तो आपको ज्यादा टफ नहीं लग रही होगी क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो वायरस की वजह से क्या हुआ, वायरस की वजह से क्या हुआ, हाँ, कि हेल्दी पर्सन को काट लिया मॉस्किटो ने। हेल्दी पर्सन को काटने की वजह से अंदर वायरस का लोड हो गया, फिर हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम और एंटीजन एंटीबॉडी में फाइटिंग हो गई। फाइटिंग की वजह से टी सेल्स हमारे हार गए। टी सेल्स हारने की वजह से साइटोकाइनेस जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरीज थे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे सॉरी, वो भी हार गए और हारने की वजह से लास्ट में क्या हो गया, हमें साइन एंड सिम्टम्स आने। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो वो पीरियड जिस पीरियड के अंदर अंदर क्या हो रहा है, उस पीरियड के अंदर अंदर क्या हो रहा है कि इतने देर दिनों में सिम्टम्स अराइज होने लगे। एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लीजिए कि जब किसी को मॉस्किटो ने काट लिया, ठीक है, बाइट कर लिया, तो अब बाइट किया, अभी आज बाइट किया है तो आज ही सिम्टम्स नहीं आ जाएंगे। तीसरे दिन से 14th डे के बीच में सिम्टम आना शुरू होंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो अभी तो बाइट किया है, अब वो वायरस अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जैसा कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बता दिया, फैलाएगा अपने आप को। ठीक है, उसने अपने आप को फैला दिया। अब फैलाते फैलाते उसको 3 दिन लग गए। अब 3 दिन बाद, अब जब उसने अपने आप को इतना फैला दिया, फैलाने के बाद उसने हमारी बॉडी पे हार्म करना शुरू किया। अब तीसरे दिन उसने पूरा अपने आप को फैला दिया है, अब तीसरे से 14वें दिन तक वो बॉडी को हार्म करेगा और तीसरे से 3rd से 14th डे के बीच में हमें सिम्टम आएंगे। जब बॉडी को हार्म होगा तभी तो सिम्टम आएंगे। अब जब बॉडी को कोई इंजरी होगी, फीवर होगा, देन पैचेस पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे जो भी सिम्टम आने होंगे वो आएंगे, जिसके बीच में 3 से 14 दिन के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स। अब चलो देखो इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हुआ है तो मैंने आपको बताया ना, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड आएगा 3rd से 14 डे के बीच में सिम्टम आएंगे। तो अब यहाँ पे सिम्टम आना शुरू हो गया। चलो देख लेते हैं कैसे आ रहा है सिम्टम। सबसे पहले जो सिम्टम है हमारा वो है दो फेज में आ रहा है, एक है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। फेज 1 क्या है? फेब्राइल फेज, इसको हम इनिशियल या स्टार्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस फेज में ये कब तक स्टार्ट होता है? ये 2nd से 7th डे तक रहता है ये फेज। अब इसमें हो क्या रहा है? तो सिंपल सी चीज है, हमको सबको पता है ये चीज, हम सभी जान रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो हमें सबसे पहले फीवर आएगा। बॉडी हमारी उस इन्फेक्शन को, उस वायरस को मारने के लिए गर्म हो जाएगी। भाई फीवर क्यों आता है? बॉडी हमारी गर्म क्यों हो जाती है? जिससे कि वो हीट प्रोड्यूस करके अंदर के वायरस या बैक्टीरिया को मार सके, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने सबसे पहले क्या किया? फीवर दिखाया कि फीवर आ रहा है। देन स्किन एरिथमा हो जाएगा। स्किन एरिथमा को हम स्किन पैचेस भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, ये रेड पैचेस आपको मिलेंगे। ये रेड पैचेस क्यों मिलेंगे, इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये हो गई हमारी ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड है बहुत सारा, और ब्लड वेसल से जो छोटी छोटी पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम कैपिलरीज बोल देते हैं। वो कैपिलरीज हमारे स्किन के अंडर में होती हैं, है ना, स्किन के नीचे हो जाती हैं, ठीक, मतलब मिलती हैं, ठीक। तो अब जो हमारी वेन्स या आर्टरीज होती हैं वो डीप में मिलती हैं बॉडी के, और हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो सुपरफिशियल मिलती हैं बॉडी के, ठीक है, स्किन के अंडर में मिल जाती हैं, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे इन्फेक्शन आया, बड़ी वाली वेन में इन्फेक्शन आया, तो सिंपल सी चीज है, छोटी वाली वेन में भी, यानी कि छोटी वाली कैपिलरीज के अंदर भी इन्फेक्शन आएगा। अब अगर इन्फेक्शन आएगा तो एंटीबॉडी भी आएगी, है ना, उसको मारने के लिए, तो एंटीबॉडी भी कैपिलरीज में आएगी। तो जब इन दोनों की फाइटिंग होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, तो उसका रिजल्ट निकलेगा कि पैचेस पड़ जाएंगे, ब्लीडिंग, हल्के हल्के रेड के पैचेस पड़ जाएंगे फाइटिंग की वजह से, ठीक है। तो ये स्किन पे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि कैपिलरीज में फाइटिंग हो रही है। बाकी ब्लड वेसल्स में भी फाइटिंग हो रही है, बट वो डीप है तो उससे कोई अभी हमें मतलब नहीं है, आगे देखेंगे क्या होगा। समझ गए पैचेस क्यों पड़ेंगे? अब आगे देख लेते हैं। देखो, पेन होगा, कहाँ पेन होगा? बॉडी में पेन होगा, मतलब बैक में पेन होगा, बैकबोन में, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में, यानी कि हैंड्स में और लेग्स में पेन होगा, आई बॉल्स में पेन होगा। तो पहले तो आई बॉल का सुन लो, आई बॉल में क्यों पेन होगा। अब आई बॉल के आसपास कैपिलरीज होती हैं, पतली पतली छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिलरीज में जब इन्फेक्शन चला जाएगा तो एंटीबॉडीज भी चली जाएगी, एंटीबॉडीज चली जाएगी तो वहां पे फाइटिंग होगी। तो फाइटिंग आंख के पास, आई बहुत सेंसिटिव होती है हमारी, आई के पास अगर फाइटिंग होगी तो आई पेन तो होगा ही। बैक पेन होगा, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि वो बोन्स के अंदर चला गया है, ठीक है। तो बोन्स के अंदर जाने की वजह से अब बैक जो है हमारी, वो तो वर्टीब्रा से उनके बनी है ऐसे स्ट्रेट, तो यहाँ पे आराम से वायरस घूम रहा है, ठीक है। तो बैक पेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह से लिम्ब यानी कि हैंड्स और लेग्स में भी पेन होगा, हैंड्स और लेग्स के ज्वाइंट्स में मोस्टली पेन होगा। अब आप सुनो, इसी वजह से इस डिजीज को या इस फीवर को हमने क्या कह दिया है? बोन ब्रेक फीवर बोल दिया है। इसकी वजह से ही बोन ब्रेक फीवर का नाम पड़ा है, ठीक है। अब समझे आप बोन ब्रेक फीवर का नाम क्यों पड़ा? मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगी। और दूसरी चीज ये भी है कि जब इन्फेक्शन बहुत इंक्रीज हो जाता है तो वो हमारे बोन सेल्स को डैमेज करने लगता है। तो जब हमारे बोन सेल्स को डैमेज करने लगेगा तो बोन में तो पेन होगा ही, है ना, तो बोन ब्रेक फीवर हो जाएगा, ठीक है। लिम्फेडेनोपैथी, ठीक है। लिम्फ कौन होते हैं? लिम्फ नोड्स, ये देखो ग्रीन वाले लिम्फ नोड। एडेनोपैथी मींस होता है एडिमा, लिम्फ में एडिमा हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, देखो यहाँ पे इसके जहां जहां लिम्फ नोड है वहां पे आपको एडिमा दिख रहा होगा, यहाँ पे हर जगह जहां जहां पे लिम्फ नोड आपको दिख रहे हैं वहां पे एडिमा दिख रहा होगा। अब इसका रीजन क्या है? देखो, पहले तो लिम्फ नोड क्या होते हैं? लिम्फ नोड एक तरह के हम कह सकते हैं कि अंदर हमारा पूरा ब्लड सप्लाई के साथ साथ ये लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। इस लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ये हमारे टी सेल्स और बी सेल्स जो कि हमारे इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी को बनाते हैं, उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अब आप सोचो कि जब वायरस इतना ज्यादा रेप्लिकेट हो जाएगा, फैल जाएगा, तो वो हमारी ब्लड सप्लाई के साथ साथ इस लिम्फेटिक सिस्टम में भी चला जाएगा। और जब लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा तो उसके अंदर वाले जो टी सेल्स होंगे वो भी वहां पे फाइट करेंगे। फाइट करने की वजह से क्या होगा? स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्थ्रेल्जिया। यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको अर्थ्रेल्जिया क्या है। अर्थराइटिस तो सुना होगा, अर्थ्रेल्जिया क्या है? अर्थ्रेल्जिया, अर्थसेल का मतलब होता है ज्वाइंट्स, एल्जिया का मतलब होता है पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, अर्थ्रैल्जिया मींस ज्वाइंट पेन हो रहा है। तो हर यहाँ पे देख लो हर ज्वाइंट्स में पेन हुआ, क्यों? क्योंकि बोन ब्रेक फीवर है भाई, यहाँ पे बोन सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो ज्वाइंट्स में हमारे पेन होगा ही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिटिकल फेस यानी कि सीवियर फेस। ये तो अभी स्टार्टिंग फेस था तो आप समझ लो कि डेंगू कितना डेंजरस है, स्टार्टिंग फेस में ही इतने गंदे गंदे सिम्टम्स दे रहा है, मतलब इतने डेंजरस। अब क्रिटिकल फेस कब स्टार्ट होता है? 3 से 8 डेज के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मीन्स होता है डिक्रीज इन अ प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटलेट क्या होते हैं हमारे, जो प्लेटलेट होते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है कि वो हमारी ब्लीडिंग को रोकते हैं, मतलब ब्लड को लॉस होने से रोकते हैं। अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके हर जगह से, आपकी टीथ से, आपके नोज से, आपके ईयर से, आपके माउथ से, आपके इंटरनल ऑर्गन से, आपके लंग से, लीवर से, हर जगह से ब्लीडिंग होने लगेगी और आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इसमें हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो वायरसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्लेटलेट को किल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट को किल करना क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये जब बोन को इंजर्ड करना स्टार्ट कर देंगे, देखो बोन, ये बोन थी हमारी, बोन के सेल्स को इसने इंजर्ड कर दिया। अब बोन के अंदर कौन होता है, बोन के अंदर होती है बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो बोन को पहले इसने इंजर्ड किया तो बोन में पेन हुआ, ठीक है, ब्रेक बोन डिजीज हो गई। फिर बोन के अंदर जाने के बाद इन्होंने बोन मैरो को इंजर्ड किया। बोन मैरो को जब इंजर्ड किया तो हर तरह के हमारे जो ब्लड सेल्स थे वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हो, चाहे वो प्लेटलेट काउंट हो, जितने भी थे सब डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। अब प्लेटलेट की हमने यहाँ पे बात की है तो प्लेटलेट का मेन फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हमारे ब्लीडिंग को लॉस होने से बचाता है। यहाँ पे प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो गए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर ऑर्गन से एक्स्ट्रा इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने लगेगी और आपकी डेथ हो जाएगी, इसलिए ये सीवियर कंडीशन के अंडर में आता है। टेम्परेचर राइज रहेगा। ल्यूकोपीनिया क्या है, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसी, जो हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जब इनर ब्लीडिंग होने लगेगी, इनर ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा कि जब ब्लीडिंग अपनी जगह पे जा ही नहीं रही है, वेन्स के थ्रू उसको ब्रेन में जाना चाहिए, हार्ट में जाना चाहिए, तो इनसफिशिएंट ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, शॉक हो जाएगा। कौन सा शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है, जो कि फ्लूइड लॉस की वजह से होता है और जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। प्लेटलेट काउंट की हम बात कर रहे थे उस टाइम पे, नॉर्मली हमारा 1,50,000 से 3,50,000 पर मिलीलीटर ब्लड में होना चाहिए प्लेटलेट काउंट, ठीक है। और जब ये हो जाता है लेस देन 1,50,000 जो है वो हमारा प्लेटलेट काउंट हो जाता है, ठीक है। तो डेंगू में लेस देन 1,50,000 हमारा प्लेटलेट काउंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें बहुत कुछ पूछ लेना है, जैसे कि उनके हाउसिंग पैटर्न। ऐसा तो नहीं है कि उनके घर में बहुत कचरा रहता हो, उनके घर में कहीं ना कहीं पानी भरा रहता हो, इधर उधर एरिया में पानी भरा रहता हो, जिसकी वजह से मॉस्किटो का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा उनका ऑक्यूपेशन पूछ लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वो फिशमैन हो, मछुआरे हो, मछली पकड़ते हो, या लैक के पास काम करते हो, ठीक है, या किसी गंदगी में काम कर रहे हो, उस वजह से उनको बाइट कर गया मॉस्किटो। इसके अलावा ये पूछ लेंगे उनसे कि कहीं वो अपने घर में पानी भर के कूलर में तो नहीं रखते हैं, या कोई टायर्स के अंदर पानी तो नहीं भरा रहता है, या उनके घर के आसपास बहुत ज्यादा गड्ढे तो नहीं है जिसमें पानी भरा रहता है। ये सारी चीजें हम पूछ लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सारे साइन एंड सिम्टम देखेंगे। पेशेंट आएगा आपके पास, आप उसके सबसे पहले तो टेम्परेचर देखोगे, ठीक है, उसके बाद आप स्किन पैचेस देखोगे। तो आधी कंफर्मेशन तो यहीं पे हो जाएगी कि टेम्परेचर भी उसका राइज मिलेगा और उसके स्किन पैचेस भी उसको मिलेंगे। फिर वो आपको बोलेगा कि डॉक्टर मुझे तो है बहुत ज्यादा पेन, इतना पेन कि ऐसा लग रहा है कि हड्डी तो टूटी जा रही है, ठीक है। तब 98% या 99% आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये डेंगू फीवर है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैचेस देख लिया आपने, बोन पेन का पता कर लिया आपने, आई पेन का पता कर लिया, फीवर का देख लिया। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। एक तो कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि डिक्रीज डब्ल्यूबीसीज होंगे, डेट इज बिलो 4,000, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट होंगे, डेट इज बिलो 1,50,000, और हमारे बहुत सीवियर केस में आरबीसीज भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट क्या है? डेट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये एक तरह का रैपिड डिटेक्शन टेस्ट होता है, किसके लिए? वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। सो ये काफी हद तक एक्यूरेट रिजल्ट देता है और ये डेंगू के वायरस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है आपका, ये सारी चीजें हम ब्लड टेस्ट से ही कर रहे हैं, एनएस एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीजन टेस्ट इसका पूरा नाम है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंटीजन टेस्ट। सो इट कैन बी डन एट द फर्स्ट डे ऑफ द फीवर। पहले दिन के फीवर पे ही ये टेस्ट अगर हम करा देते हैं पेशेंट का, सो इट इज अ रैपिड टेस्ट। ये तुरंत आपको बता देगा कि हाँ इसके अंदर, बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वायरस का प्रेजेंस है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली इंसान नहीं कराता है क्योंकि पहले दिन पे कोई हॉस्पिटल ही नहीं आता है कि हाँ मुझे फीवर आ रहा है। वो तो फिर फीवर आएगा 2-3 दिन, कोई नॉर्मल पैरासिटामोल खाएगा तो उसके बाद नहीं ठीक होगा, देन वो आएगा डॉक्टर के पास, ठीक है। देन एलाइसा टेस्ट। सो एलाइसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ये एक तरह का टेस्ट है जो कि हमारे एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। देखो ये हमारे एंटीजन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी वायरस को हेल्प करता है डिटेक्ट करने में, ये हमारी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कौन कौन सी एंटीबॉडीज? आईजीएम एंड आईजीजी। आईजीएम कब डिटेक्ट होगा? जब पहली बार डेंगू हुआ है। आईजीजी कब डिटेक्ट होगा? जब दूसरी बार सेम इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि आईजीजी सेकेंड इन्फेक्शन में बन जाती है और आईजीजी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो सेकेंड इन्फेक्शन जब आएगा ना तो आईजीजी बनेगा। इसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखो पहली बार अगर इन्फेक्शन आया तो आईजीएम बनेगा, क्योंकि आईजीएम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो आईजीएम को नहीं पता होता है कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो आईजीएम पहले बन जाती है, ठीक है। फिर वो ठीक हुआ जो भी हुआ, ठीक। सेकेंड टाइम सेम वायरस आया तो हमारे जो अंदर के सेल्स होते हैं, मैसेंजर सेल्स होते हैं, वो सारा सिनेरियो लर्न करके रखते हैं कि इससे पहले भी सेम वायरस आया था और आईजीएम को इसने बहुत हार्म किया था। तो वो मैसेंजर सेल्स होते हैं हमारे अंदर, बहुत सारे सेल्स होते हैं, एक मैसेंजर सेल्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं? वो आईजीजी प्रोड्यूस तुरंत करते हैं। वो भी अपना दिमाग लगाते हैं कि यही वायरस ने आईजीएम को परेशान कर दिया था, तो मैं अपनी तरफ से और स्ट्रांग एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करूंगा। तो ज्यादा स्ट्रांग एंटीबॉडीज हमारी आईजीजी होती है, जिससे कि वो तुरंत किल कर सके वायरसेस को। ऐसे होता है हमारा इम्यून सिस्टम का काम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डेंगू है उसकी अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, इसी वजह से इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कराते हैं, जैसा कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए। अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा तो शॉक हो जाएगा, इसकी वजह से हमें वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन देना होता है। फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक में हम पीसीएम दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा हम प्रिपेयर रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट काउंट इसमें बहुत जल्दी डिक्रीज होने लगते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज होने लगते हैं, आरबीसी डिक्रीज होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? ब्लड ग्रुप मैच करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रिपेयर रहना है। पेन किलर्स दे देना है। पेन किलर्स इसलिए देते हैं क्योंकि क्या हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एक्सेसिव पेन हो रहा है। एसिटामिनोफेन हम दे सकते हैं। एसिटामिनोफेन हम इसलिए देंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। बाकी पेन किलर्स हम दे सकते हैं, एस्पिरिन वगैरह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एस्पिरिन वगैरह इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो सर्कुलेशन को बढ़ाती है और वैसे भी हमारे अंदर प्लेटलेट कम है, अगर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वेन्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एसिटामिनोफेन जो है वो इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो सर्कुलेशन को भी इतना इंक्रीज नहीं करती है जिसकी वजह से अंदर इंजरी हो जाए, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट लेने के लिए बोलेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सेलुलर डैमेज हो रहे हैं, हमारे सेल्स की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। रेस्ट करने से और अच्छी स्लीप लेने से क्या होता है कि हमारे अंदर की जो सेल्स की रिकवरी होती है वो फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि सेल्स एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं लेते। जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरे अंदर जितने भी सेल्स हैं, माउथ के सेल्स हैं, जो भी हिल रहे हैं सेल्स, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हैं और जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहीं पर भी वेस्ट नहीं होता है। देन मेडिकल इमरजेंसीज में लाइक हमें तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को, जब पेशेंट ज्यादा सीरियस हो रहा है तो आईसीयू में एडमिट करना है, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी है। क्यों? क्योंकि इससे ब्रीदिंग पावर जो है एक्टिवेट होती है, मतलब इंक्रीज होती है। आईवी सेट लगाना है, एनएस दे सकते हैं फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, नॉर्मोसलाइन हम दे सकते हैं जिससे कि हम शॉक से बचा सकें। इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से पेशेंट डेथ की ओर आराम से जा सकता है, जैसे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अंदर अगर इंजरी हो जाएगी, अंदर अगर वेसल्स रप्चर हो जाएंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। मायोकार्डाइटिस, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। मायोकार्डियम, कार्ड क्या है? कार्ड है हमारा हार्ट, ठीक है। मायो मीन्स मिडिल, तो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट में क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो सिंपल सी चीज है कि हमारा जो हार्ट की मिडिल लेयर है उसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती हैं। तो जब ब्लड सप्लाई ही हमारे इन्फेक्टेड हो रही है, मैंने आपको पहले बता दिया ब्लड सप्लाई के अंदर कौन है हमारा? वायरस है हमारे, ठीक है। अब जब ये वायरस हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई में जाएंगे तो हार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, दैट इज इन्फेक्शन इनटू द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। हेपेटिक डिसफंक्शन हो जाएगा, लीवर में डिसफंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम लीवर में वायरस भी जा रहा है और हम मेडिकेशंस भी ले रहे हैं, ठीक है। तो लीवर में भी डिसफंक्शन हो जाएगा, हो सकता है कि लीवर फेलियर हो जाए। कन्वल्जन्स आने लगेंगे, सीजर्स आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्टेड ब्लड हार्ट में जा रहा है वही इन्फेक्टेड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, और वही इन्फेक्टेड ब्लड अगर ब्रेन में चला जाएगा तो ब्रेन में वायरस चला जाएगा, ब्रेन में वायरस चला जाएगा तो वो क्या करेगा? ब्रेन के टिश्यूज को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगा और सीजर्स झटके आने लगेंगे, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायरस जा रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन, देखो इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन क्या होता है कि वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है? थक्के जम रहे हैं, कोआगुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और वायरस और बैक्टीरिया टिश्यूज को डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोआगुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये कोआगुलेशन हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेटेड मींस होता है पूरी बॉडी में, यानी कि पूरी बॉडी की वेसल्स में क्या हो रहा है? कोआगुलेशन हो रहा है। तो जब कोआगुलेशन हो जाएगा यहाँ पे रुकावट आ जाएगी ब्लड वेसल्स में, तो अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ पे देख लेते हैं, शॉक आ जाएगा और डेथ हो जाएगी, क्योंकि शॉक क्या होता है? इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू दी ब्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको घर के आसपास अपने कोई भी कूड़ा कचरा या कोई भी ऐसी चीज जमा नहीं करनी है जिसके अंदर मॉस्किटो का प्रोडक्शन हो, जैसे कि टायर्स हो गए आपके, ये वेसल्स हो गए, ये देखिए प्लास्टिक के कंटेनर्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीजों में पानी नहीं होना चाहिए। प्लस आपकी जो कह सकते हैं कि ये टंकी होती है पानी की, उसको, उसका जो ऊपर का कैप होता है, ढक्कन होता है, उसको भी बंद करके आपको रखना है। कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा करके नहीं रखना है। एटलीस्ट 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा वाटर एम्प्टी करना है, चाहे वो आप चलाओ चाहे ना चलाओ। इसके अलावा अपने आप को कवर करके रखो, अपने टैंक्स को कवर करके रखो। अपने विंडोज पे स्क्रीन लगा सकते हो, मॉस्किटो स्क्रीन, जो जाली आती है अलग से, वो आप लगा सकते हो जिससे कि मॉस्किटोज अंदर ना आ सके। इसके अलावा मॉस्किटो नेट आप यूज कर सकते हो। फुल क्लोथ्स पहन सकते हो, क्योंकि स्लीव्स होगी तो मॉस्किटो जल्दी आपको बाइट नहीं कर पाएगा। ऑडोमास वगैरह यूज करिए जिससे कि मॉस्किटो आपको काफी हद तक 2 घंटे एटलीस्ट, ऑडोमास का जो भी इफेक्ट होता है वो 2 घंटे तक रहता है, तो आपको एटलीस्ट 2-2 घंटे पे लगा लेना चाहिए। बाकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मींस होता है कि आपको अपने आसपास के एरिया को क्या करना है? क्लीन करके रखना है। अगर आसपास का एरिया क्लीन कोई नहीं कर रहा है तो उसको बताना है कि क्यों क्लीन करना है, क्या उसके पॉसिबिलिटीज हैं डिजीज कंडीशन होने की, और कितने बेनिफिट्स हैं अपने एनवायरमेंट को क्लीन और हाइजीन प्रैक्टिस फॉलो करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंगू। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। अगर कोई डिजीज कंडीशन नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैंने बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस डिस्कस की हैं, तो ये मेरे एंड स्क्रीन पे आप देख लो, यहाँ पे आपको तीन दिख रही होंगी और इन तीनों चीजों में आपको जो चाहिए कम्युनिकेबल डिजीज में वो आप देख सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है जो कि आपको ये दिख रही है सामने, इसी में आप जाओगे तो आपको सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह या मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड सारे डिजीजेस आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। So till then, bye bye, take care, and thank you so much.